महत्वपूर्ण खबर दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं, बहुत जरूरी है ये इन्फॉर्मेशन, ये भी दर्शकों को बताना, इन्हें समझाना बहुत जरूरी हो जाता है। कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जारी हिंसा में मणिपुर जल रहा है, जिसमें महिलाओं की अस्मिता स्वाहा हो रही है, मगर अब चिंता हिंसा के मणिपुर से बाहर निकलने की है। यह आशंका मणिपुर के 10 बीजेपी विधायकों ने जाहिर की है। ये विधायक नगा समुदाय से आते हैं। हाल ही में इन विधायकों ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बिग वॉल के जरिए आपको बताते हैं कि 10 विधायकों ने हिंसा को लेकर क्या कुछ कहा है। इनकी तरफ से कहा गया है, जो 10 बड़ी बातें हैं वो आपके सामने। ऐसा जघन्य अपराध स्वीकार्य नहीं है, ये जानकारी इनकी ओर से साझा की गई है। साथ ही साथ कहा गया है, ये घटना मणिपुर संकट को और ज्यादा बढ़ा रही है। कहा गया है इसके अलावा, नगा सीधे तौर पर संघर्ष में शामिल नहीं है। एक और जानकारी आपके सामने रख दे, नगाओं पर भी इसका असर पड़ रहा है, जिस तरीके से हिंसा फैल रही है। और कहा गया है, नगा महिलाओं के साथ भी ऐसा हो सकता है, इस बात की आशंका गहरा रही है। साथ ही साथ कहा गया है, स्थिति नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। इसके अलावा और क्या कहा गया है, शांति की कोशिशें असफल हो रही हैं, हालात बेकाबू होते हुए, दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दी जाए, ये भी इनकी तरफ से जानकारी साझा की गई है। तो जो नगा विधायक है, इनकी तरफ से ये जानकारी दी गई है। अरविंद कुमार वाजपेयी जी, तो ये जो जिस तरीके से हालात बेकाबू होते हुए, इस पर अब जो नगा है वो भी डरे सहमे हुए हैं और उनकी तरफ से ये तमाम बातें कही गई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसीलिए गृह मंत्री भारत सरकार के माननीय अमित शाह जी गए थे वहाँ पे, 3 दिन 2 दिन उन्होंने प्रवास भी किया और जो प्रयास हो सकते थे, जैसे कि उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई नंबर 1, उसके बाद पीस कमेटी का गठन किया नंबर 2, उसके बाद तीसरा उन्होंने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की एक कमेटी अलग से बनाई, उसके बाद 10,000 पैरामिलिट्री फोर्सेज जो हैं उनको डिप्लॉय किया गया, सूट एंड साइड के ऑर्डर की पावर दी गई, ये सब चीज़ें उन्होंने जाके की हैं और धीरे धीरे नॉर्मलसी की तरफ जा रहा था। लेकिन बीच में इस घटना के आने से, इस घटना के प्रकाश में आने से, आपने देखा होगा कि कल उन अपराधियों का घर भी जला दिया गया। आप तो डिफेंड कर रहे हैं, आप तो हिस्ट्री बता रहे हैं। प्रयास क्या किए, मैं ये प्रयास नहीं डिफेंड नहीं कर रहा मैं, अरे सुनिए ना, मैं प्रयास बता क्या किए गए हैं, इस सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए, मैं ये बता रहा हूँ। और जहाँ तक ये जो महिला वाली घटना है, जो तस्वीरें निकल कर सामने आई, उसके बावजूद निकल कर सामने आई ना, बिल्कुल हम लोग डिफेंड नहीं कर रहे उसको, नहीं बिल्कुल डिफेंड करेंगे, बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ, लेकिन बाकी लोगों को ये समझना होगा कि जो सत्ता में बढ़ रहा है, ये बातें खुद वो विधायकों की तरफ से बताई जा रही हैं। देखिए दो चीजें हैं वहां पर, एक तो है कि कम्युनिटी क्लासेस का जो इतिहास उनका 1970 से 60 से रहा है वो घटनाएं हैं, और एक ये महिला वाली घटना है, दोनों चीजों बहुत जबरदस्त मामला खराब है वहाँ, उसको रोकने के प्रयास करने का काम सरकार का ही है और वो सरकार कर रही है। जी निर्वस्त्र करके घुमाते तो नहीं थे जी, क्या बोला आपने? अरे भाई, तो उसी की हम कह रहे हैं कि भैया ये घटना इतनी निंदनीय है कि हमारे पास शब्द नहीं है, लेकिन इसको राजनीति में क्यों लपेटा जा रहा है, इसको राजनीति में क्यों डालता जा रहा है, शब्द नहीं है। देखिए, अगर मैं गिनाने पे राजनीति हम नहीं करना चाह रहे, शब्द नहीं है लेकिन राजनीति तो बदस्तूर जारी है। बिल्कुल नहीं, राजनीति ये लोग कर रहे हैं, राजनीति जो विरोधी पक्ष के जी जी राजीव रंजन जी, शब्द नहीं है लेकिन राजनीति तो होगी, बदस्तूर होगी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा बेहद संवेदनशील मसला है, और मैंने पहले भी कहा है कि जिन पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में आज़ादी के बाद जितनी सरकारें बनी, सबने अपने तरीके से शांति वार्ताएं, अलग अलग समूहों से बातचीत करके आज एक वातावरण बनाया, लेकिन पिछले दिनों केवल 50% से ज़्यादा वोट शेयर एक समूह का है, इसकी वजह से उसे शेड्यूल ट्राइब में शामिल करने का जो मन बनाया वहाँ की सरकार ने, और बाजाप्ता उसके बाद जिस तरह की हिंसा वहाँ पर बढ़ी, उस हिंसा में ऐसे हालात उत्पन्न हुए कि जुडिशियरी के लोग भी नहीं बख्शे गए, पुलिस ऑफिसर्स भी जो नॉन मैतेई पुलिस ऑफिसर्स थे, चाहे वो नगा हो, कुकी हो या मिजो हो,
उन्हें बख्शा नहीं गया। कुकी इलाकों में ज़्यादा परेशानियाँ इसलिए बढ़ी कि पहाड़ों पर कुकी समुदाय का प्रभाव है और मैदानी इलाके में मैतेई समूह का प्रभाव है। ये संतुलन साधना ही सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेवारी थी, लेकिन वोटों की सियासत, जो इसके पहले वोट की राजनीति होती थी, लेकिन ये थोक जो एक साथ वोट का जो काम करने की कोशिश की गई, उसकी वजह से हालात बिगड़ते गए। और उसको संभालने में वहाँ की सरकार किस कदर असफल हुई है, उसकी वानगी है कि सत्तारूढ़ दल के 10 MLA, इसके पहले भी उनके लिए अलग प्रशासनिक इकाई की मांग करने वाले जब 10 MLA सामने निकल आए थे, तो उसमें 8 MLA भाजपा के थे। अब तो ये संख्या केवल 10 नगा MLA की है। तो हालात को अगर केवल लीपापोती के जरिए हम देख रहे हैं, सवाल मणिपुर का नहीं है। मणिपुर के हालात अगर बिगड़े तो इसके तार पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों से जुड़े हैं। इस पर तवज्जो देना चाहिए मोदी जी को, उन्हें खुद जाकर शांति बहाली की कोशिश करनी चाहिए और वहाँ की सरकार को लेकर कोई प्रभावी फैसला लेना चाहिए। ठीक है।